कौन से पेज पे जाएंगे उमर हम? सर फेसबुक पे जाएंगे हम, स्टार इंस्टीट्यूट। जी आ रहा, आपको आ रहा है सर लिंक? जी आ गया, मैंने ज्वाइन किया। मैं सर इसका कि वेबिनार का लिंक सेंड कर दें, जरा देखिए इसको। देखिए सर, वी आर लाइव। यस वी आर लाइव। उमर मेरे पास आ रहा है 29 व्यूअर्स हैं इस वक्त। आप काइंडली पेज पे जाकर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हैं सर? अल्लाह का शुक्र। इस तरफ हैं, मैं जितनी देर में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं जरा गपशप ही कर लेते हैं। सर आप तो करें गपशप, स्टार्ट कर देते हैं 2-3 मिनट में। ठीक है सर, आई थिंक वी आर लाइव नाउ। सर आप लाइव फीड में स्विच कर रहा हूं, शो करना था। सर क्या हालात हैं कोविड के? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है, अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है। और सर्दी कुछ बढ़ गई है ज्यादा, हीटिंग फुल टाइम चलानी पड़ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी सर? यस ना, मैं आ रही है, बस ऑडियो कोई और आई थी पहले। वो सर एक्चुअली आज उमर आज स्नोफॉल का चांस है, रात सुबह के करीब होगी कोई 6-7 बजे, और 7 बजे के करीब 7 से 9 तक होनी है, फिर दिन में थोड़ी देर रुकेगी, फिर आगे 2-3 दिन कंटिन्यूस प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की। 27 के बाद है कि नहीं है? नहीं 27 के बाद अभी अभी नहीं है, फिर तो फरवरी में शायद कोई एक आधा दिन और होगी यहाँ सिटी में, लेकिन बाहर का बता नहीं, बाहर तो होती रहती है। बुरसा ऊपर चले जाएंगे तो उसमें उन एरियाज में तो होती रहेगी। टुवर्ड्स एजियन साइड सर ज्यादा स्नोफॉल, उधर पहाड़ है ऊंचा थोड़ा, जरा ज्यादा है तो इसलिए वहां पे शायद ज्यादा होगी। बाकी एवरीथिंग इज गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी यूनिवर्सिटी से रब्ता चल गया है, अच्छा हो गया मामला, तब काफ़ी सारे MOU साइन हो गए, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर लॉकडाउन की वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है आजकल? लॉकडाउन इज यार टू बैड अ सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का करम है, यहाँ तो 250+ अमवात डेली हो रही हैं कोरोना की वजह से। और यहाँ टर्किश लैंग्वेज में कहते हैं वीकेंड पे सुकाब चिकमा, यानी यू कैन नॉट गो इन द स्ट्रीट कर्फ्यू। तो कर्फ्यू जुम्मे को 9 बजे अप्लाई हो जाता है रात को, हर जुम्मे से, और वो कर्फ्यू खुलता है जाकर मंडे को सुबह 5 बजे। और इसके अलावा सूरत हाल इस तरह की है कि नॉर्मल दिनों में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं 18 साल से छोटे या 65 साल 60 साल से बड़े जो लोग हैं, वो सिर्फ 1 से 4 के दरमियान घर से बाहर जा सकते हैं, नॉर्मल डेज में भी वो बाहर नहीं जा सकते। तो सर ये कर्फ्यू के डेज में मतलब फ्राइडे के बाद कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, तो बाहर मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए नहीं निकल सकते। अगर आपने कुछ ज़रूरियात की चीज़ें लेनी है, मसलन आप फिर नहीं सकते, आपको एक कहीं भी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए पुलिस मॉनिटर कर रही होती है, एक परमिट चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से मूव करने के लिए, इन केस ऑफ सम इमरजेंसी और सम रियल वर्क। डिलीवरी वालों को अलाउड है, उनको परमिशन मिले हुए हैं, लेकिन सब लोग नहीं मूव कर सकते। आमिना वालेकुम अस्सलाम, आपका मैसेज देख रहे हैं। मोहम्मद अहसन वालेकुम अस्सलाम, और जितने लोग भी सलाम कर रहे हैं, शहरियार साहब वालेकुम अस्सलाम, लगारी साहब, तमाम लोगों को वेलकम। आप लोग आ रहे हैं, साथ के साथ देख भी रहे हैं आपको। बस अभी मेरा ख्याल है कि विल बी स्टार्टिंग अभी फॉर्मली हर चीज़ को, वी आर वेटिंग कि जिन लोगों ने ज्वाइन करना है उन तक लिंक पहुंचे और वो ज्वाइन कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर अली आप कैसे हैं, मामलात कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। everything is fine sir. Allah ka bada shukr hai. Theek hai karam. Walaikum salam Ghazala. हमने शरीफ वाले तैयब साहब वालेकुम अस्सलाम। तैयब सियाल क्या हाल चाल है? मैंने तो अगला पढ़ा ही नहीं, एक्स से लिखा हुआ है फेसबुक की नाम है ये झंग से, बल्कि आजकल तो इस्लामाबाद भी है ये। अच्छा लाइबा वालेकुम अस्सलाम। हरी मुर्तजा वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। लाइबा ताहिर वालेकुम अस्सलाम। वजीर भाई वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको जो लोग ज्वाइन कर चुके हो। वेरी गुड टू सी यू आफ्टर सो मेनी डेज। शफकुल आपका कमेंट पूरा नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर लिखा हुआ है जो आप लिखते होते हो, अस्सलाम वालेकुम सर जी वो नहीं आ रहा। मसूद साहब सिंह मसूद लाई जुल्कर है। आपको मैं मजे की बात बताऊं मसूद इलाही के बारे में कि हमें पता ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान की टॉप पोजीशन स्टार इंस्टीट्यूट के पास है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भाई साहब है, वेल डन यार, वेल डन वेल डन। चीयर्स। मलिक अली अब्बास वालेकुम अस्सलाम। मेसम साहब और मतलब ये तेजी से इतनी स्क्रॉल होना शुरू हो गया कि पढ़ना जरा मुश्किल हो रहा है। गुड टू सी यू ऑल यार। गिलगित बल्तिस्तान की पहली पोजीशन वाले बंदे, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत का फल दिया आपको। थैंक यू वेरी मच असलान फॉर सो मच, इतनी सारी प्रेयर्स और थैंक यू। बस आप लोगों का साथ है, आज बड़े दिनों के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है एंड आई एम फीलिंग यू नो वेरी एक्साइटेड वेरी हैप्पी। यू नो बहुत दिन हो गए, पहले तो आप मुझसे तंग आए हुए थे, कह रहे सर 5 महीने हो गए अभी हालात अच्छे हो गए हैं, शुक्र है अल्लाह का कि आप लोग अच्छा है। सर्दी कैसी है सर? सुना है लाहौर में भी इस बार कड़ाके निकल गए सर्दी के। अच्छा ना सर, बड़ी जबरदस्त सर्दी। बच्चों बच्चों तुम्हारे लिए भी इंफॉर्मेशन हाथ में पकड़ा हुआ है सर। मैं बताऊं मैंने पिछले यानी अ वीक बिफोर मैंने लाहौर का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर कंपेयर किया तो लाहौर वाज कूलर देन हियर। लाहौर है ना, और लाहौर की जो सर्दी है बच्चों तुम लोग गवाही दोगे। और 12 साल के बाद वकास राजा माशाल्लाह, गुड टू सी यू। देखो यार 12 साल मुझे पता नहीं, मुझे मेरी टोटल उम्र 18 साल है, ये बचपन से मुझे जानता है बच्चों। वकास जो है कह रहा है 12 साल पहले पढ़ा है, अभी कोई 20 साल वाला भी आ जाएगा, 22 वाला भी आ जाएगा। तला कुरैशी साहब सरगोधा कैंपस से वेलकम बेटा। और हाँ जी अरसलान कह रहा है बड़े अरसे के बाद देखा आपको, पुत्र फोटो खींच के रख ले रोज देख लिया कर अभी आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं शफागुल यार, वी आर मिसिंग यू ऑल। और मजे की बात बताऊं बच्चों, लाहौर में ना जो सर्दी पड़ रही है, ये तो जो लाहौर के रहने वाले बच्चे हैं वो गवाही देंगे, यहाँ गीली सर्दी जो पड़ती है ना वो तबाही निकाल देती है बंदे की। गीली सर्दी हाँ जी, एवरीथिंग इज वेट अराउंड यू। एक ऐसा मौसम आता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे धुंध और वो बहुत नमी होती है उसमें, बहुत ज्यादा सर्दी। अच्छा सर जी थोड़ा सा कोई सर अली मेरा ख्याल फॉर्मली अगर आगे काफी तो व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमें कौन सा इनको ये कहना है मुझे लाइक करें सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे पहले उमर अभी क्योंकि लाइट गपशप हो रही है एक बात पूछ लूं बच्चों जल्दी से बताओ, क्या मैं कोई YouTube चैनल यहाँ से स्टार्ट करूँ आपके लिए जिसमें पढ़ाई के अलावा भी कुछ एंटरटेनमेंट भी हो? बिल्कुल बाबा जी मुल्तान यार बाबा जी मुल्तान नहीं, चैनल का नाम रखते हैं बाबा जी इस्तंबुल हाँ जी यस सर जरूर। मुझे कितने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, कोई अच्छा सा रिकॉर्ड बने तो फिर मैं देखता हूँ कि एक दिन में पहले उसको अनाउंस करके इसी तरह फिर आपके पास आके बातचीत की जा सकती है। दुल्कनैन भी कह रहा है यस सर यस सर। वेलकम बाउलपुर कैंपस से आपको मुबर्रा ने लिखा तो मैंने इसको मरहबा पढ़ लिया, यकीन करें मुबर्रा सर। तुर्की जाके आप वैसी मरहबा मरहबा, हाँ वो हर एक को कहता ना बंदा हेलो की जगह पे। बिग यस ओके यस, एक बंदा कह रहा है नो गुड यस नो यस ओके। एंटरटेनमेंट किस टाइप की होगी वो कह रही है 100K फर्स्ट। एंटरटेनमेंट बेटा एजुकेशन रिलेटेड। $150 मिलियन माशाल्लाह मैसन। अच्छा जी उमर, मेरा ख्याल है बच्चे आगे हैं कुछ, तो फॉर्मली स्टार्ट कर दें ताकि बात कर सकें, इनको इनके फायदे की बात भी बताई जा सके। यस सर, काफी पूल ज्वाइन हो गया स्टूडेंट्स का। यस सर, उमर आप बात कर लीजिए ताकि स्टार्ट करें। Okay students, formally starting this session. Assalamu alaikum. I am Umar Sahir. इस सेशन में हमने एक्चुअली इसको रखने की मेन वजह ये थी कि कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, खासकर रिपीटर्स की, और भी बहुत स्टूडेंट्स की, रिपीटर्स, नॉन रिपीटर्स, जो स्टार इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से भी कोई क्वेश्चंस थे काफ़ी रिगार्डिंग कि हम अपना रिपीटर सेशन कब शुरू करेंगे, पहली चीज़। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टार इंस्टीट्यूट की अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस रही है रिगार्डिंग देयर सक्सेस रेशियो इन एडमिशन इन मेडिकल। फिर डिफरेंट कैंपसेस में, डिफरेंट एरियाज में ओवरऑल स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर का काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट रहा है। तो ये ऑब्वियसली आप सब की मेहनत है और हमारी दुआएं हैं। बात करते हैं हम रिपीटर सेशन पे, तो इस हवाले से हमें सर अली गाइड करेंगे कि क्या हमारे आगे सेशंस होंगे इंशाल्लाह रिपीटेड स्टूडेंट के लिए। ऑब्वियसली कोविड था, कई स्टूडेंट्स स्ट्रेस की वजह से नहीं पढ़ सके, तो डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो गई। अब उनको कैसे हमने आगे लेकर चलना है, और सर जाफरी जिन्होंने हमें इस्तांबुल से ज्वाइन किया, टर्की से, वो हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे। यानी वो स्टूडेंट्स जो रिपीट करना नहीं चाह रहे, अपना साल वेस्ट नहीं करना चाह रहे, और पाकिस्तान के प्राइवेट एडमिशन से सस्ता और बहुत बहुत बेहतर एजुकेशनल क्वालिटी के हवाले से MBBS की स्टडी, वो भी अब्रॉड, और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स। अगर इन केस को MBBS नहीं करना चाह रहा, उसके डिफरेंट फील्ड्स में इंटरेस्ट है, तो वो भी, उसके लिए भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी, उस हवाले से हमें सर जाफरी गाइड करेंगे। तो आई थिंक ओवर टू यू सर, आप प्लीज़ गाइड कीजिए स्टूडेंट को कि व्हाट टू डू अबाउट इट, प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या हाल चाल है? पहली बात तो ये कि नया साल मुबारक। आप सब, हम सब मिलके दुआ करते हैं कि ये 2020 जो है वो जैसा गुजरा है, अल्लाह करम करे 2021 वैसा ना गुजरे, उससे बेहतर गुजरे। ये ना हो कि उससे बुरा गुजरे, उससे बेहतर गुजरे। और हम सबको की दुआएं आपके साथ हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। पहली चीज़ तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टार का सक्सेस रेशो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है इस बार भी, और लाइक एवरी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशो में तो कोई हमारे पास भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक होने वाले 23-24 एंट्री टेस्ट में से 14 बार फर्स्ट पोजीशन स्टार की। आप लोगों को ये बताने वाली ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो दिस एंड इट्स वेरी क्लियर फॉर यू। इस बार की जो सिचुएशन थी, इसमें हमें थोड़ा सा ये था कि ज़्यादातर हमने ऑनलाइन पढ़ाया, क्योंकि सेशन तो बंद था, लेकिन ऑनलाइन में भी बच्चों ने जिस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, जिस तरह की लाइनें हैं, आप ये यकीन, हैरतनाक बात ये है कि 190 प्लस में केपी के बोर्ड से शायद 2 या 3 बच्चे हैं, सिंध बोर्ड से 6 बच्चे हैं। सिंध बोर्ड में मीटू से अर्बन सिंध के, रूरल सिंध से कोई बच्चा 190 प्लस नहीं है, बलूचिस्तान से कोई बच्चा 190 प्लस नहीं है। तो अंदाज़ा ये लगाएं कि स्टार इंस्टीट्यूट के कम अज़ कम भी 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो 190 प्लस हैं, 190 या 190 प्लस। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस वाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फार मोर देन एनीवन एल्स। और इसमें सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी थी, और आप लोगों की सिंसियर एफर्ट्स थी। मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि जो इस चीज़ को सीरियस ले लेगा उसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जिसका दाखिला नहीं भी हुआ बेटा या उसके मार्क्स कम आए तो उसके लिए हमारे पास 2-3 पॉइंट्स हैं। मैं कैटेगरी वाइज डिस्कस करता हूँ। पहली कैटेगरी वो थी कि जिसने पेपर ही हाफ हार्टेडली लिया था। देखिए कुछ लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज के लोग होते हैं, तो बहुत जिम्मेदार बच्चे होते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी से पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी सिचुएशन हो उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ हमारे जैसे होते हैं जो कहते हैं यार माहौल बनेगा ना तो हम भी पढ़ लेंगे। ये पाकिस्तान का सबसे यू कैन से पॉपुलर एटीट्यूड है कि माहौल बन जाए तो फिर हम पढ़ लेते हैं, माहौल के बगैर नहीं हम पढ़ते। Whereas, इस बार अनफॉर्चुनेटली वो माहौल नहीं बना, या जब तक आप सीरियस हुए तब तक एग्जाम का बिल्कुल सर पे आ गया था। और थैंक्स टू पीएमसी वो कई बार सर के पास लाके हथौड़ा जो है ना फिर उठा लेते थे, फिर मारते थे, फिर उठा लेते थे, तो ये सीन तो चलता रहा। लेकिन इस सारी चीज में असल बात यह है कि क्या हम हार जाएं, क्या हम छोड़ दें फील्ड को, क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। वो बच्चे जिनके 2 चांसेस हो गए थे ना, उनके लिए तो हम दूसरी ऑप्शन ढूंढेंगे, उनके लिए हम आपको बहुत सारी ऑप्शंस देंगे कि आपने बाहर जाना है, बाहर पढ़ाई करनी है। हम बाहर भी वो देख रहे हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को उस लेवल तक पढ़ा सकें जहाँ पे प्राइवेट वालों से खर्चा कम हो। दूसरे बच्चे वो हैं कि वी वांट टू गिव देम अ न्यू स्टार्ट, जिनका पहली बार चांस था। यू शुड टेक अ न्यू स्टार्ट, आपको जंप इन करना है, दोबारा से तैयारी करनी है, हिम्मत करनी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यकीन करें कि हमारे पास जितना रिपीटर्स का विंटर सेशन होता है ना, ये सारे का सारा हमारा ऑनर बोर्ड पे होता है अगले साल, क्योंकि हमारे पास जो रिपीटर आते हैं उन एक तो उनका एक्सपोजर हो गया होता है, चीजें समझ आनी शुरू हो गई होती हैं, एक बार उस भट्टी से गुजर चुके होते हैं। तो दूसरी बार ये होता है कि जब आप दूसरी बार अपीयर होने लगते हैं तो यू हैव अ लॉट ऑफ चांसेस, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, आपको पेपर की बहुत चीजें समझ आ जाती हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आइडिया हो जाता है। तो इस लिहाज से सबसे जरूरी चीज़ ये है कि आप अब इसके लिए कोशिश ये करें कि आप गिव योरसेल्फ अ न्यू स्टार्ट। बहुत से लोग आपके पास आएंगे नहीं, बहुत से लोग आपको डिप्रेस करने के लिए दुनिया में भरे पड़े, वो जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज़ को पोटेंशियल नहीं सीधी। और अनफॉर्चुनेटली वो लोग भी फ़ोन करते हैं जिनके 3 साल से आपकी वो वाली आंटी जिससे 3 साल से आपकी मुलाकात बंद थी, वो भी पूछने आती है उससे कि हाँ जी की बनया। ये जो की बनया का सवाल है ना, दैट इज पैथेटिक। लोग आपसे हमदर्दी के चक्कर में आते हैं, असल में वो अपना मजा ले रहे होते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा ये ट्रेंड है। असल बात ये है कि आपको कुछ हमदर्दियाँ ऐसी होती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ हमदर्दियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको और तंग करने के लिए होती हैं। देयर सर्टेन एट द एंड अगर आप देखो ना बेटा तो लाइफ में ना कुछ 4-5 बंदे ऐसे होते हैं जो आपके सिंसियर हो, बाकी सबके साथ जो होते हैं वो ज़्यादा चीज़ा लेने वाले होते हैं। अब हम आपको देखते हैं आप कहाँ थे। एक बात मुझे बताओ, आप में से कभी कोई फेल हुआ, कभी आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए, कभी डी ग्रेड आया, कभी ऐसी कोई सिचुएशन हुई? क्या कभी ऐसी कोई सिचुएशन हुई कि जनाब आपको फेल हो गए हो, आपको माँ बाप से डांट पड़ी हो? नहीं हुआ ना। क्यों? Because you were the best of the lot. आपने कभी ऐसी चीजें फेस ही नहीं की। तो अब अल्लाह ताला ने you can say blessing in disguise है ये। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। अल्लाह ताला ने आपके से कोई और बड़ा काम लेना, आपसे किसी और अच्छे मेडिकल साल शायद तुम्हारा मार्जिन पे कहीं दाखिला हो जाए, कहीं जाके डीजी खान जिस तरह आई नो कि एक बार साहिवाल मेडिकल कॉलेज बना तो उसके शुरू के बच्चे जो थे वो जिनका आखिर में मेरिट आया था तो उन बच्चों का दाखिला हो गया, वो पढ़ने लगे। थर्ड ईयर में जाकर उन्होंने कहा ये मेडिकल कॉलेज ख़त्म हो रहा है। पीएमडीसी ने कहा, यकीन करें बाज बच्चे डिप्रेशन में चले गए कि यार सारी उम्र मेहनत करके और हमें थर्ड ईयर में कहा जा रहा है अब आप फारिग हैं। तो ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, वो बेहतरीन फैसला करेगा कि आपने क्या करना है। और इस साल की सारी सिचुएशन में आपने बहुत हौसला किया कि आपने प्रिपरेशन की। और दूसरी बात, क्या आपने हिम्मत हार देनी है? नो, अभी से अपनी तैयारी करें और अभी से सीरियस माइंडेड होके, जब तक आप सीरियस माइंडेड नहीं होंगे, ये आप अगले से अगले साल की तरफ जाने वाली बात है। प्लीज फुल्ली मोटिवेटेड हो, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और इंशाल्लाह इस चीज की हम आपको गारंटी देते हैं कि इस साल आपको किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह पहुंचा के रहेंगे। 2021 इज योर ईयर। हम इंशाल्लाह 1 फरवरी से नई क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और ऑन कैंपस क्लासेस भी हैं। अब वो हालात देखते हैं कब क्यों सेटल होते हैं, इसलिए हमने 18 की बजाय अब 1 फरवरी का कहा है क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है लाइव क्लासेस के लिए। लेकिन ऑनलाइन तो कंफर्म है इंशाल्लाह कि 1 फेब से मंडे से इंशाल्लाह वी विल बी ऑन और इंशाल्लाह You will find that quality कि उसमें अब हमारा सिस्टम भी ग्रेजुअली उससे इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात तो सही है कि हमारे जैसा ऑनलाइन सेशन भी नहीं हुआ, लोगों ने वीडियो चला के पुरानी वो चला के गुजारे किए। हमारे पास ऑनलाइन लाइव सेशन जैसी किसी के पास भी सिस्टम भी नहीं था और किसी ने ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, ये कुछ लोग आपस में बहस करते रहो, ठीक है, अच्छी बात है, रौनक लगी रहती है। दूसरी बात कि आपको डिटर्मिन होना है, फुल्ली डिटर्मिन होके आपने प्रिपरेशन करनी है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो शेयर करनी है, बल्कि उसको जज करना है। इंशाल्लाह विल गिव यू बेटर अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह। अब ओवर टू सर जाफरी सर, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह फिर इसके बाद बात करता रहूंगा आपके साथ ही। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सर ने आपसे बातचीत की और आपको बताया, विच इज़ वेरी गुड, कि आपको ये बताया जा रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी। सबसे पहला सबक तो यही है, आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आई एम 100% फॉर इट, पहली चीज़। इसमें हम कैटेगराइज कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहली कैटेगरी के बारे में सोचिए, वो स्टूडेंट्स जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। बेटा आज सबसे पहले बेस्ट विशेस फॉर दिस New year to all of you, and congratulations to those who've been able to get admission in various medical universities, colleges, whatever जिस शहर में वो सोच रहे हैं। Wonderful, great effort, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे और मजीद कामयाबी दे इसमें। तो ये तो स्टूडेंट हो गए सेपरेट, उनके लिए गपशप की गुफ्तगू, फन की गुफ्तगू इसके बाद अभी थोड़ी देर और करेंगे। मुझे बड़ा मजा आ रहा था आप लोगों से बात करके, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब ये सीरियस इशू हम डिस्कस कर लेते हैं तो उसके बाद कोई 5-10 मिनट करेंगे। और जो सवालों की तेजी से लिस्ट गुजर रही है, मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है बेटा, इतनी जल्दी हम सवाल पढ़ नहीं सकते, आप उसके सवालों को अभी एंड पे हम इंशाल्लाह जरूर लेकर के चलेंगे आपकी गुफ्तगू को और ये क्वेश्चंस को एड्रेस करते रहेंगे। जब मैं बोलूँ कि अब क्वेश्चंस आप पेस्ट करें, अपने क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हैं, तो सर्टनली आप क्वेश्चन टेक्स्ट करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर। दैट विल बी ए क्वेश्चन आवर आंसर आवर और सेशन, आवर तो नहीं कर, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा छोटा सा। कांग्रेचुलेशंस जी, कामयाब जो हुए, बाकी लोग नाकाम नहीं हुए। पहले ये चीज ध्यान में रख लें। आपने एक एफर्ट की, यू डिड नॉट गेट दी डिजायर्ड रिजल्ट। देखें, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट्स लगा रहे होते हैं, आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा होता है लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिल रहा होता। सो हमें मजीद एफर्ट करनी है, मजीद रिफाइन करना अपने आप को। क्लासेस आपकी 1 तारीख से अवेलेबल हैं, ठीक है, वेरी गुड। इंशाल्लाह जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और यहीं के किसी मेडिकल कॉलेज में, बच्चियों की पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते पाकिस्तान से बाहर या किसी और जगह, भाजका दूसरे शहर में नहीं भेजना चाहते, तो उनके लिए बेहतरीन चॉइस रिपीट करना है ऑफ कोर्स, अगर आपके पास चांस है। लेकिन आज आप में से कुछ ऐसे भी होंगे आई एम श्योर जो ऑलरेडी रिपीट कर रहे थे। नाउ अगली कैटेगरी, पहली कैटेगरी हो गई जिनका दाखला हो गया, दूसरी कैटेगरी वो हो गई जो रिपीट कर रहे हैं, उनके लिए 1 फरवरी से क्लास अवेलेबल है। तीसरी कैटेगरी जो अब रिपीट नहीं कर सकते, यानी उन्होंने 2 ट्राइज कर ली हैं, एक ट्राई कर ली है ऑलरेडी, रिपीट कर चुके हैं, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है और वो समझते हैं कि यहाँ पर इनका दाखला मुमकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट बहुत ज्यादा हाई होता है। सो आपके लिए स्टडी अब्रॉड की ऑप्शंस हैं। अब इसमें कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास? पूरी दुनिया अवेलेबल है, लेकिन देखना यह है कि आप यूएचएस की ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने जा रहे हैं या आप किसी ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जो ग्रे लिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो किसी ना किसी स्टेज पर ग्रीन लिस्ट में आ जाएंगी, सो देर इज अ चांस। बट जो ग्रीन लिस्टेड है उनका तो बिल्कुल वही सिस्टम है जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है, यानी यहाँ से बच्चा पढ़े या किसी ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े, उसने आकर एनएलई का एग्जाम देना और उसके बाद उसने प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, कोई मसला नहीं। अब जो ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हमने लास्ट वेबिनार में आपको बताया था, दैट वॉज इन किर्गिस्तान, जो सबसे सस्ता ऑप्शन है। पाकिस्तान में जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, जो मेडिकल की क्लासेस हैं, जो मेडिसिन प्राइवेटली मेडिकल करते हैं, उनका 1/3 खर्चा रहने समेत हर चीज समेत 1/3 ऑफ द टोटल कॉस्ट में आप किर्गिस्तान में पढ़ सकते हैं। इसके लिए बेटा मैं सेपरेटली इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 वीक्स मैं ऑस्ट्रेट यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहां के ऑफिशियल से आपकी मुलाकात करवाऊंगा और वो रास्ता आपके लिए खुला रहेगा। That would not be a problem. Of course, उसके लिए क्या करना है उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह मैं बिश्केक और आफ्टरवर्ड्स ओश दोनों जगह से खुद लाइव आकर आपको दूंगा, वहाँ यूनिवर्सिटी का टूर करवाऊंगा, पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपकी बातचीत भी करवाऊंगा। So that is इंशाल्लाह in the upcoming weeks. आज हम बैठे हैं दूसरा हिस्सा टर्की में स्टडी के लिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते, यानी वो 5 लाख भी नहीं दे सकते, उनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट नहीं बना और अब दूसरी ट्राई भी हो चुकी है, अब क्या करें? बेटा आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी टाइम आ गया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों अपॉर्चुनिटी टाइम कह रहा हूं मैं इसको? साल में 1 दफा टर्की में एडमिशंस ओपन होते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। साल में विदाउट ट्यूशन फी एडमिशन 1 दफा पॉसिबल होता है और दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं इसके अंदर, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली अ डेवलप्ड कंट्री। आपको पता है इनकी इकोनॉमी अच्छी है पाकिस्तान की निस्बत। सो अब हमें देखना यह है कि क्या आप ना होने के बराबर पैसों में, बहुत कम पैसों में टर्की में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पहली चीज आई वुड लाइक टू बी वेरी क्लियर ऑन इट कि टर्की की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, दे आर नॉट PMC recognized yet, यानी PMC की ग्रीन लिस्ट में नहीं है, ग्रे लिस्ट में है, जो लेटर स्टेज पर आ जाएंगी ग्रीन लिस्ट में, लेकिन इस वक्त तक वो ग्रे लिस्ट में मौजूद है। ग्रीन लिस्ट में यूनिवर्सिटीज मेडिसिन की मौजूद है। टर्की में अगर आप प्राइवेटली मेडिकल, जैसे हम सेल्फ फाइनेंस बेस की सीट कहते हैं, प्राइवेटली मेडिकल कॉलेज में पे करके दाखिला लेते हैं, यानी सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी बेटा सीट्स अवेलेबल होती हैं सेल्फ फाइनेंस की, जो गवर्नमेंट ऑफ टर्की चला रही है, लेकिन कुछ सीटें वो सेल्फ फाइनेंस पर देते हैं। इसी तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो तो करते ही प्राइवेटली हैं सारे प्रोसेस को, लिहाजा ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों। अब देखने वाली बात ये कि इनमें दाखिला कैसे होता है। बेटा यहाँ पर एक एडमिशन का सिस्टम है जिसमें आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं ऑन अ पोर्टल। लेट्स से हर यूनिवर्सिटी को आप अप्लाई करते हैं कि जी मैंने आपके पास दाखिला लेना है, ये मेरे FSC के मार्क्स हैं, ये मेरा पासपोर्ट नंबर दिस 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 और मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे दाखिला लूं। यहाँ पर मेडिसिन के अलावा तकरीबन तमाम फील्ड्स में कोई फीस नहीं है सरकारी यूनिवर्सिटीज में, अगर आपका मेरिट आ जाए, अगर वो आपको दाखिला दे दें, जीरो फीस नहीं है। ऑफ कोर्स रिहाइश के अखराजात आपको बर्दाश्त करने होते हैं। यहाँ पर NGOs हैं जो $100 पर मंथ लेकर बाकी वो खुद डालती हैं बच्चे को, यानी 15-16 हज़ार रुपए महीने के तो बेटा लाहौर में भी रहने के लगते हैं। बाकी वो 2 टाइम मील और रेजिडेंस का बंदोबस्त करके देते हैं। उन NGO से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, हमारे एग्रीमेंट्स हैं जो हमारी पेरेंट कंपनी है टर्की में उसके NGOs के साथ, वी कैन ऑलवेज रेफर यू टू दोस। वो भी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है कि उनके पास कितने स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने का इस वक्त कोटा मौजूद है। सो यहाँ अप्लाई कैसे करना बेटा, यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस भरी जाती हैं, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश कहने को तो है लेकिन पढ़ते लिखते बातचीत सब कुछ टर्किश लैंग्वेज में होता है। सो हम ये चाहेंगे कि हम आपकी एप्लीकेशंस किसी प्रोफेशनल से भराएं ताकि मैक्सिमम चांस हो उसका आने का, यहाँ पर मेरिट के ऊपर आने का। हमने स्टार इंस्टीट्यूट ने एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है वेयर by submitting $200 in total, $200 मेरा ख्याल है 30-32 हज़ार रुपए बनते हैं, वो आपको 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके देंगे और उसमें हमें आपकी तरफ से आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की कॉपी, आपके ID कार्ड की कॉपी, एक अदद तस्वीर बायोमेट्रिक सफेद बैकग्राउंड के साथ, और इसके अलावा हमें आपके रिजल्ट कार्ड की, जो आपने इंटरमीडिएट पास करने का जो रिजल्ट कार्ड है आपके पास, मार्कशीट है, उसकी कॉपी चाहिए। हम ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपका ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर डाला जाएगा एज अ कैंडिडेट। सबूत ये होगा कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक्नॉलेजमेंट रसीद आएगी कि आपने हमारे पास फॉर्म जमा करवाया है। अब उनका मेरिट बनता है हर साल, उस मेरिट पर अगर आप फॉल करेंगे तो आप जीरो फीस में पढ़ सकते हैं। मेडिकल के लिए कुछ थोड़ी बहुत सपोर्टिंग फीस हो सकती है लेकिन वो बहुत कम फीस होती है, यानी $200 $2,000 होती है पर ईयर। मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा। यानी पर ईयर अगर आपको थोड़े से $2-4 हज़ार देने भी पड़े तो किसी अच्छे मेडिकल स्कूल में, जहाँ पर यूरोप में पूरे के पूरे आपकी डिग्री मानी जाए, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। यू जस्ट हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर मेरिट पर आप फॉल करेंगे तो डेफिनेटली, इसमें एडमिशन गारंटी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं और अगर पूरी दुनिया से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है बेटा मेरिट के ऊपर आपका नाम आने पर बात है। लेकिन ये यूनिवर्सिटियां आपको कंफर्म करेंगी कि आपने अप्लाई किया है। मोस्टली जितने हमारे बच्चों के नंबर होते हैं, बहुत चांस होता है कि आप लोग मेरिट पे फॉल कर जाएंगे, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स 85-90% मार्क्स वाले आम होते हैं अप्लाई करने वाले। यहाँ पर इतनी हाई परसेंटेज बच्चों की नहीं आती, सो दैट इज वन एरिया। और जिनकी आती है उनको वैसे ही दाखिला मिल चुका होता है पब्लिक की तरफ से, अगर वो सिटीजन है तो मसला ही कोई नहीं है। सो एक तो ये है, हमारे पास स्टडी इन टर्की की एप्लीकेशन हम फॉरवर्ड कर सकते हैं 5 यूनिवर्सिटीज को। मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, नॉन मेडिकल कर लें, आप इकोनॉमिक्स के पढ़ना चाह रहे हैं, आप मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ना चाह रहे हैं, इनमें जीरो फीस है। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट साइंसेस, ह्यूमैनिटीज के अंदर कोई फीस नहीं, ₹1 भी नहीं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत चांस होता है कि आपका दाखिला हो जाएगा। दूसरा तरीकेकार स्कॉलरशिप्स का है। ये स्कॉलरशिप्स अगर आप सर्च करेंगे बुरसालारी स्कॉलरशिप के नाम से आपको नजर आ जाएंगे। इन स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करने का फायदा यह है कि आपको पढ़ने के दौरान सपोर्ट किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से छोटा मोटा स्टाइपेंड भी मिलता है। ये भी एप्लीकेशंस हम फॉरवर्ड कर सकते हैं एक प्रोफेशनल इदारे के जरिए ताकि आपकी एक्सेप्टेंस के चांस मैक्सिमम हो। जब यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है कि जी आपको हम ले रहे हैं, फिर आपने अपना वीजा प्रोसेस शुरू करना होता है। जब यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है, आपने पैसे नहीं देने हैं, तो जाहिर है कि वीजा प्रोसेस में सिर्फ आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो भी एम्बेसी रिक्वायर करेगी आपसे, और आपको 1 साल का स्टडी वीजा मिल जाएगा। यहाँ पर वो वीजा और टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट यहाँ पर आकर हम आपका बनवा देंगे एंड यू कैन कन्वीनियंटली लिव हियर। यहाँ पर ऑफिशियली काम करने की इजाजत नहीं होती स्टूडेंट को, क्योंकि मेडिकल इज अ फुल टाइम स्टडीज, मैं ये नहीं कह सकता कि आप जरूर काम कीजिए, और अगर आपको पैसे मिल रहे हैं और बहुत थोड़े से पैसे पाकिस्तान जितने ही लग रहे हैं तो मेरा ख्याल है काम की जरूरत भी नहीं होती। सो मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि दैट इज अ गुड ऑप्शन टू डू दैट। बेटा ये जो वेस्ट इंडीज का पूछ रहा है, जमैका के जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है उसमें डॉक्टर काजमी है। बार बार आप पूछ रहे हैं, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तानी हैं और मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक भी है। वी कैन ऑलवेज प्रोसेस यू, लेकिन पता नहीं वो शायद आपका रंग रोगन देख के आपका शौक है वहां जाने का, बल्ला जानता क्या क्यों बार बार लिख रहे हो बच्चे। ये डॉक्टर काजमी पहले शेख खलीफा बिन जायद मेडिकल कॉलेज में होते थे और प्रिंसिपल हैं जमैका के जो सेंट्रल मेडिकल कॉलेज है, राइट। बंदोबस्त मैं आपका कर देता हूं बेटा, अगर आपको जमैका में इंटरेस्टेड है एमबीबीएस में, हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, जो बाकी लोग हैं बेटा मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब स्कॉलरशिप्स के हवाले से, अगर आप स्कॉलरशिप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं कि वो आपको पढ़ने के साथ साथ कुछ स्टाइपेंड कुछ पैसे भी दें, तो वो बुर्सलरी स्कॉलरशिप्स भी अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन वो हम 3 यूनिवर्सिटीज के लिए 3 एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इन $200। सो अगर आप टर्की में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं विदाउट पेइंग एनी मनी, तो ये एक प्रोसेसिंग का सिस्टम जो है हमने यहाँ पर राइज किया है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं वो हमारे बैकएंड पर मौजूद टीम से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह करवा दिया जाएगा। ईरान के हवाले से बेटा मैं आपको बता दूं कि ईरान पर क्योंकि पाबंदियां भी बहुत हैं और इनका इंटरनेशनल एक्रीडेशन में बहुत मसला होता है। आपको सादे लफ्जों में शायद हमने पहले भी बताया था कि एक जैसे हमारे मुल्क में UHS है, एक पूरी दुनिया की मेडिकल एसोसिएशंस हैं जो कि डिग्री को वेरीफाई करती हैं, उसमें ईरान वाले मेडिकल कॉलेजेस नहीं आते, तो पढ़ने के बाद फायदा नहीं होगा। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि किसी डेवलप कंट्री से चीज को देखें तो आपको पूरी दुनिया में काम करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका टारगेट अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं होना, पढ़ने के बाद दुनिया में कहीं पर भी जॉब आ सकती है। सो थिंक अबाउट इट दैट कि आप कैसे चीजों को लेकर के चल सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। ये सही वक्त है प्रॉपर डिसीजन करने का। जहां तक बात कर रहे हैं हम बेटा टर्की की, तो 2 ऑप्शंस हो गई। एक, आप 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर छोड़ें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडीज के लिए, या आप 3 यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। इन दोनों के लिए यानी अलग अलग से $200 ईच, आप चाहें तो दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं, which is nothing। So अब आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। हमारा यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके मुताबिक हम आपको ये सर्विसेज मुहैया कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर यू। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी फैमिली में आपके बहन भाई कोई हायर स्टडीज करना चाहते हैं, हायर स्टडीज भी यहाँ एब्सोल्युटली फ्री हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज ये बात आपसे करने का मकसद ये था कि ये एप्लीकेशंस अब एंड जनवरी, लास्ट वीक ऑफ जनवरी से फरवरी के फर्स्ट 2 वीक्स तक सबमिट होंगी। इसके बाद ये एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, फिर ये अगले साल बारी आएगी। सो अगर आपने अप्लाई करना है, इफ यू आर सीरियस, तो आपको बहुत ज्यादा तेजी से इस पे काम करना चाहिए, फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए, ताकि आपके इस प्रोसेस को हम सिस्टम में डालें। अर्लियर द बेटर इट इज, क्योंकि ये एप्लीकेशंस हर लिहाज से मुकम्मल करके हमें सबमिट करनी है। और इसकी इंटीमेशन आपको आपके अपने ईमेल पर आएगी, जो ईमेल आप हमें देंगे जिसके जरिए हम अप्लाई करेंगे। हम हर जगह पर आपका ईमेल एड्रेस देंगे डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए, ताकि आपको ये पता हो कि आपने ये एप्लीकेशन सबमिट की है। अगर यूनिवर्सिटी कोई डॉक्यूमेंट डिमांड करती है तो आप उसे दे सकते हैं। सो दैट इज एन एरिया जहां पर आप हम काम कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ मेरे होने का फायदा ये है कि जब आप तशरीफ लाते हैं तो डेफिनेटली हम आपको बहुत सारी चीज़ों में, सेटलमेंट में हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। बट माइंड इट कि अगर आप एक बार ये जहन बनाते हैं टर्की में पढ़ने वाला, तो सिर्फ मेडिसिन नहीं है। यहाँ पर जैसे नर्सिंग है, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी है, जैसे फिजियोथेरेपी है, यानी बहुत सारी मेडिसिन रिलेटेड फील्ड्स हैं जिनमें एब्सोल्युटली फ्री दाखिला होता है। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप स्टार इंस्टीट्यूट तशरीफ लेके जाएंगे या किसी से रब्ता करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ देंगे मुख्तलिफ तरह के डिसिप्लिन की, कि आप इनमें अप्लाई करें, इनमें अप्लाई करें, इनमें अप्लाई करें। सो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू यू। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सर्टनली हम आपको ये सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, जरूरत नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसके लिए यूं सेलेक्ट कीजिए कि इसके लिए सर अली अलहदा से आपको एक वेबिनार काउंसलिंग सेशन देंगे, या स्टार में अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लें। वो आपको बता सकते हैं, एनालिस्ट कर सकते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज की प्रायोरिटी कैसे लिखनी है। सो ये ब्रीफ सा स्केच था आज की हद तक। जिनको जो लोग इंटरेस्टेड होंगे दे कैन सर्टेनली कॉन्टेक्ट अस इन दिस। अब अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो इनको हम वन बाय वन लेंगे। मैं सर अली से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आ जाएं ताकि एक बार हम बच्चों के सवालों को भी देख लें। उमर अगर आपको सवाल पढ़ सकते हैं तो देख लीजिएगा, को बच्चे वैसे शुगल कर रहे हैं तो चलें। नहीं सैयदा, ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। सैयदा बतूल पूछ रही है। नहीं बेटा, अंडर ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, दोनों के लिए, इवन पीएचडी के लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन टाइम लाइन बहुत टाइट है। सो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस चीज को मद्देनजर रखिएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं, इवन डॉक्टरल प्रोग्राम्स हैं, सारे के सारे हैं। शान, आपने लोकेशन पूछी है, ये लोकेशन आपको अभी एडमिन पिन कर देंगे। टर्की में कोई टेस्ट होगा? जी मैं आपको बताता हूँ। टर्की में असूलन तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें B1 लेवल की इंग्लिश चाहिए होती है आपको, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लिया जाता है आपके ईमेल के जरिए कि वो आपका इंग्लिश का ऑनलाइन टेस्ट ले लें। वो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं बिकॉज इनकी अपनी इंग्लिश भी बड़ी मतलब पूरी पूरी सी है और आप थ्रू हो जाते हैं उसमें बड़ी आसानी से। डोंट वरी अबाउट दिस इंग्लिश टेस्ट। जिसने पूछा कि टेस्ट कौन सा होगा, बेटा वो यूएस का जो टेस्ट है ना वो आपके लिए नहीं है, वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए जरूर है, आपके लिए नहीं है। सो यू कैन अप्लाई इन द स्कॉलरशिप फर्स्ट, फिर हर यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया बताती है और वो हम आपके साथ होंगे उसमें आपको पूरे का पूरा सिस्टम गाइड करने के लिए। जो की रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं ये दे आर बेटा इंटरनेशनली एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज। इसका एडवांटेज सिर्फ यही है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली हु में कोई WHO में जॉब मिल जाएगी, ये डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन दे आर सपोर्टिंग दोज यूनिवर्सिटीज एंड सर्टेन प्रोजेक्ट्स इन द यूनिवर्सिटीज। टर्की में फी क्या है, उस्मान ने पूछा है। टर्की में बेटा जो मेडिकल की प्राइवेट यानी अगर आप सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं तो $16,000 पर ईयर से लेकर तकरीबन $27,000 पर ईयर है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड रैंकिंग में वो कहां पर खड़ी होती है। ये किसका मेरिट पूरा है? मतीन, आपने मेरिट कितना होगा? सर अब मुझे पता नहीं, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा। ब्राजील के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। चाइनीज यूनिवर्सिटीज के लिए अलहदा से आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे बेटा, वी आर वर्किंग ऑन दिस और सर्टनली इसके ऊपर अपडेट करेंगे। अभी क्योंकि हमारा काम मुकम्मल नहीं है। इनटेक पीरियड फॉर टर्की रिपीट कर दें। ओके बेटा, टर्की का जो इनटेक पीरियड है ना ये अब 24 जनवरी से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, यानी लास्ट वीक में, और फरवरी के फर्स्ट 2 वीक्स तक हम अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, इसमें इंग्लिश में भी अप्लाई किया, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके भी अप्लाई किया जा सकता है और टर्किश भी। लेकिन हमारा यहाँ पर रहते हुए इतने सालों से मेरा ये एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर जब आप टर्किश लैंग्वेज में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो देर आर ऑलवेज मोर चांसेस, बिकॉज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उन्हें ये लोकल लैंग्वेज आ रही। यही तो हम आपको हेल्प कर रहे हैं, यही तो कैच है इसमें। यही इसी बात के हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो ये आपको चार्जेस $200 ले रही है कि आपको मैक्सिमम चांसेस करके दिए जा सके। पर यार ओवरऑल कितना एक्सपेंस होगा जी, उस्मान साहब पूछ रहे हैं। टर्की में बेटा, टर्की में डिपेंड करता है आप किस तरह का लाइफस्टाइल लेते हैं और कौन से सिटी में आप गए हैं। देखिए अगर आप इस्तांबुल में हैं तो इस्तांबुल में अखराजात थोड़े से ज्यादा होते हैं। यहाँ पर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के साथ अपने हॉस्टल्स नहीं है, बल्कि नियर बाय यूनिवर्सिटीज के बहुत सारी रेजिडेंस अकोमोडेशन मिल जाती है। अगर आप एक कमरा अकेले लेना चाहते हैं और वो किसी बड़े अच्छे कॉम्प्लेक्स में है, जिम भी है, पूल भी है, तो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। आपको हो सकता है 1200, 1300, 1400 लिरा पर मंथ रेंट ही देना पड़ जाए। लेकिन अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में चले जाते हैं, छोटे अपार्टमेंट में 4 स्टूडेंट मिलकर रह लेते हैं तो 200-250 लिरा 6-7 हज़ार 8 हज़ार महीने का खर्चा आ जाएगा मैक्सिमम। फिर खाना पीना डाल लें तो 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में आपका काम हो सकता है पर मंथ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एक्सपेंडिचर करते हैं। बहरहाल रफली आई वुड से कि 25,000 to 30,000 पर मंथ में आपका बेहतरीन गुजारा हो सकता है एज अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग किर्गिस्तान में अप्लाई की लास्ट डेट क्या है? बेटा किर्गिस्तान में मैं दो बातें आपको समझा देता हूँ। किर्गिस्तान में एडमिशन दो तरह से करवाया जा सकता है, एक अभी दाखिला करवाएं और सितंबर में जब क्लासेस शुरू होनी है तो आप उनमें रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे ऑस्ट्रेट यूनिवर्सिटी में जो कि ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। दूसरा ये है अगर आप प्रिपरेटरी सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते आपको तकरीबन $4700 टोटल पे करने होंगे टू गेट फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी शामिल है, वीजा हर चीज इसमें शामिल है, हॉस्टल फी पहले पूरे सेमेस्टर के लिए यानी 6 months के लिए सब कुछ शामिल होगा। उसके बाद आपके $1,600 और $300 जो है आपका वो जो है $500 पर सेमेस्टर हॉस्टल के खाना मेस और इन चीजों का खर्चा और $50 वीजा एक्सटेंशन फी वगैरह पड़ेगी। पर ईयर वो पर सेमेस्टर पड़ती रहेगी, साल में 2 दफा चलता रहेगा ये सिलसिला 5 साल तक। ये एक रास्ता है जो आपको कंसल्टेंट्स बताते हैं जी हम आपको $4,500 में ले जाएंगे, तो बेटा वो आपको इस तरह से लेके जा रहे हैं, हमारे पास भी ऑप्शन अवेलेबल। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप एडमिट देखिए $500 का फर्क पड़ना टोटल और उसकी भी 2 किस्तें करवा दी हमने यूनिवर्सिटी से बात करके। सो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को समझिए और देखिए कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो इसमें 4 महीने का MBBS का यूनिवर्सिटी कोर्स कराएगी, हम नहीं कराएंगे। और स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाएगा, फरवरी में क्लासें होंगी एंड फरवरी में, और आजकल अप्लाई करने के दिन है उसके। मैं इसीलिए जा रहा हूं कि जो कैंडिडेट्स हमारे चले गए हैं, जो बच्चे वहां जा चुके हैं और जो अभी जाना चाह रहे हैं, उनको मैं एक बार सारा का सारा सिस्टम वहां से ब्रीफ कर दूं। सो उसमें आप पैसे जमा कराएंगे, अभी तकरीबन आप जो पैसे जमा करवाएंगे 3500 के करीब, और बाद में रिमेनिंग अमाउंट जमा करवाएंगे जब सितंबर में, तो आपका दाखिला अभी से हो जाएगा और आपको मेडिकल पढ़ा दिया जाएगा, आप किर्गिस्तान चले जाएंगे फरवरी में। दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन दैट। सर काइंडली एक दफा स्टूडेंट्स को सर ग्रीन लिस्ट के बारे में जरूर गाइड कर दीजिएगा। आप पीएमसी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर ग्रीन लिस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। ग्रीन लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज की डिग्री इस तरह से है जैसे आपने लाहौर में फातिमा जना से पढ़ ली है या आपने ऑस्ट्रेट यूनिवर्सिटी से पढ़ ली है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू। आपको सबको एक टेस्ट पास करना है और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान में पढ़ने के बराबर है। हाँ, इसकी फीस पाकिस्तान से 1/3 है। सो यही एक बेहतर रास्ता आपके पास है अगर आप 100% कंफर्म एडमिशन चाहते हैं। हम यहाँ टर्की में आपके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में कंफर्म एडमिशन करवा सकते हैं, कंफर्म जिस यूनिवर्सिटी का आप कहें, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, आपको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट लेती है, सेल्फ फाइनेंस की सीट बाय करना पड़ती है। वो डिग्री टू डिग्री, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अमाउंट वेरी कर रही होती है। वो $1000 से लेकर $6000 तक हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी को बुक करें। अच्छा, बिस्मा वहीद किसी ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पूछा है। बिल्कुल, यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी भी अवेलेबल है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी होगी टर्की में। आपको सिर्फ अप्लाई करना है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। वी कैन ऑलवेज हेल्प यू इन दैट। वही आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें क्लिनिकल साइकोलॉजी में। अगर आपका दाखिला हो जाता है, मेरिट आ जाता है, तो वेल एंड गुड, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगी आप यहाँ पे। अप्लाई करने का प्रोसेस सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा। बच्चा हमारे पास आएगा, हमसे बात करेगा स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर में, मुल्तान कैंपस में, या जो भी हमारे ऑफिसेज हैं जहां पर हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं। वो आ करके हमें अपने पासपोर्ट की कॉपी, हमें अपने आईडी कार्ड की कॉपी, एक मोबाइल नंबर, एक अदद ईमेल एड्रेस जिस पर यूनिवर्सिटी उससे रब्ता करेगी, ईमेल एड्रेस, एक वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर और $200 इधर सबमिट करेगा। हम उसके अगेंस्ट यहां से उसकी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करके टर्किश लैंग्वेज में उसके फॉर्म फिल करेंगे ताकि मैक्सिमम चांस हो इसके एक्सेप्ट होने का। उसका प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे और जिन यूनिवर्सिटीज में हम उसे बताएंगे कि हमने ये 5 यूनिवर्सिटीज में आपके लिए अप्लाई किया है, उन यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक्सेप्टेंस की ईमेल आएगी कि आपका एडमिशन हमें अप्लाई हो चुका है। उसके बाद अगर वो मेरिट के ऊपर आएगा तो सर्टनली वो यूनिवर्सिटीज जो जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर गवर्नमेंट की सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं उनके ईमेल आईडी मैं नहीं क्रिएट कर सकता। ऑफिशियल ईमेल आएगी कि जी आप यहाँ पर एडमिशन हो गया, जिसको स्टूडेंट एक्सेप्ट हो जाएगा मेरिट के मुताबिक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मिलेगी। स्टार इंस्टीट्यूट का अर्ली सेशन नासिर सर ने बताया है 1 फरवरी को। जी किर्गिस्तान के बारे में लास्ट डेट के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं कि किर्गिस्तान में आप एंड जनवरी तक अप्लाई जरूर कर दें अगर आप चाहते हैं, राइट, विद फाउंडेशन कोर्स, राइट, क्योंकि इस बार 2021 में पूरी, देखें एक चीज को समझे स्टूडेंट्स, बच्चों के पास दुनिया किर्गिस्तान की बेहतर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की ऑप्शंस थी पहले, क्योंकि ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था ग्रीन लिस्ट वाला, लेकिन अब सिर्फ एक और दो ऑप्शंस है पूरे किर्गिस्तान में। यानी पहले अगर वहां पर आपके पास 5000 सीटें थी तो अब आपके पास 500 सीटें भी नहीं, अप्लाई करने वाले उतने ही हैं। किर्गिस्तान में 2021 में दाखिला सेशन शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका होगा। सेशन सितंबर में शुरू होता है, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ये पहली बार इस तरह से होने जा रहा है, तो डेफिनेटली ये फाउंडेशन कोर्स में सीटें खत्म हो जानी, क्योंकि जो फाउंडेशन में आएगा यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है उसको मेडिकल की सीट देना। सो फाउंडेशन कोर्स के लिए मैंने कहा फरवरी एंड में स्टार्ट होना है, मैक्सिमम मार्च स्टार्ट में हो जाएगा, एंड फरवरी में फाउंडेशन कोर्स का यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ हमें, और अगर एंड फरवरी में होना है तो ये चीज पक्की पक्की पहले मान लें कि फरवरी के महीने से पहले पहले आपको, हम आपको 3-4 दिन के अंदर, 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेके देंगे, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, और स्टेट यूनिवर्सिटी से हमारा, क्योंकि वहां पर सेटअप है। मैं जा रहा हूं वहां, जाके दिखाऊंगा आपको अपने पाकिस्तानी लोग जो हमारे दोस्त वहां काम कर रहे हैं, ये कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा सेटअप है और अपना मेस है, पाकिस्तानी खाना मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है, इतनी तादाद में बच्चे हैं हमारे पास, पाकिस्तानी खाना मिलता है, पाकिस्तानी कुक्स हैं, और बाकायदा ख्याल रखा जाता है पाकिस्तानी स्टूडेंट ही पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ रहे ताकि प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल हमारे वाला माहौल है। सो यू वुड फील वेरी होमली इन किर्गिस्तान, इसमें मुझे कोई शक नहीं। जी एफएससी का क्राइटेरिया किर्गिस्तान के लिए 65% मार्क्स होने चाहिए, बस एक ही क्राइटेरिया है 65% मार्क्स। यस, एक हमने इनसे अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन ली हुई है और स्टेट यूनिवर्सिटी से कि बच्चे के लिए, देखें ये पीएमसी की भी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पता हो कि एंट्री टेस्ट या किसी किस्म का कोई इंटरव्यू ये लाजिम है बच्चे के लिए मेडिकल में दाखिले के लिए, इंटरनेशनल के लिए, तो हम उस यूनिवर्सिटी के यहाँ पर स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर में इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे आपका। अगर आप लाहौर नहीं आ सकते हैं तो इस इंटरव्यू को स्केड्यूल किया जा सकता है ऑनलाइन, उसके मार्क्स लगाकर बकायदा हम आपको दाखिला दिलवाएंगे वहां पर। हम उन्हें ये गारंटी करें, क्योंकि हम उनके पार्टनर्स हैं, हम उनके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उन्हें ये गारंटी करेंगे कि जनाब आपने ये पास किया इंटरव्यू, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा और मैं पूछूंगा क्वेश्चन पूछे, आपको चीजें पता है, और हम आपकी उसकी ग्रेडिंग करके उनको साथ में भेजेंगे यहाँ से स्टार से कि आपका दाखिला मुकम्मल हो सके। Sir, I have a question and that is कि on a personal level आप students को between MBBS from Turkey and Kyrgyzstan आप कौन सा recommend करेंगे कि कौन सा country बेहतर है? बड़ा pertinent question है और मैं इसके बारे में आपको ये बात बताऊं, अगर आप afford करते हैं, let's say अगर आप afford करते हैं कि आप साल में for instance मैं general idea दे रहा हूँ 7-7.5 लाख रुपए पे कर सकते हैं मेडिकल के, यहाँ पर तकरीबन 21 लाख है पाकिस्तान में। यस सर, 21 लाख, 12-12.5-13 लाख रुपए तो वो फीस मांगते हैं सालाना, और उसके ऊपर एडमिशन और फिर हॉस्टल का खर्चा और फलाना, ये सब कुछ मिलाकर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 7-7.5 लाख रुपए अगर अफोर्ड कर सकते हैं पर ईयर, तो आपको आंखें बंद करके किर्गिस्तान चले जाना चाहिए। 100% कन्फर्म सीट, बेहतरीन एजुकेशन, पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं वहाँ पे मेडिकल में और स्टेट यूनिवर्सिटी में, बहुत हेल्प मिलती है। हमने वहां पर पिछले कई सालों में स्टडी ग्रुप्स बनाए हुए, सो देयर इज अ गुड स्कोप देयर, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अफोर्ड ही नहीं करते, आप 2 लाख रुपए भी अफोर्ड नहीं कर रहे साल के, फिर क्या करेंगे? फिर आप टर्की का कम से कम ये अप्लाई कर छोड़ें, किस्मत है, अल्लाह करे, इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से आपका ये प्रोसेस करेंगे कि आपके मैक्सिमम चांसेस हो सिलेक्ट होने के। सिलेक्ट हो गए तो फीस ही कोई नहीं है यार, दोनों बातें की जा सकती हैं। ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो लोग जो अफोर्ड करते हैं 7-7.5 लाख रुपए वो तो आराम से किर्गिस्तान चले जाए, जो अफोर्ड नहीं करते वो इन यूनिवर्सिटी में अपनी किस्मत आजमाई करें, अगर स्कॉलरशिप मिल गया तो मुफ्त में कर लेंगे, दोनों बातों का। 86% पॉसिबल है पाकिस्तान में बेटा, मुझे नहीं लगता, मैं मेरे जहां तक अंडरस्टैंडिंग प्राइवेट के हवाले से मुझे कुछ हो जाए तो हो जाए। अब प्राइवेट ने तो बेटा रेट लगाने हैं, आपको पता भी है उनका किस तरह का सिस्टम है, उस पर मैं यहाँ इस फोरम पे कमेंट नहीं कर सकता। जी जी, रिपीटेड सेशन के बारे में कोई बच्चे पूछ रहे हैं? बेटा मैंने अभी बताया, हसन फारूक पूछ रहे हैं कि कौन सा रिकमेंडेड है एमबीबीएस इन टर्की और एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। बेटा किर्गिस्तान इस वक्त ग्रीन लिस्ट में है, सारा किर्गिस्तान नहीं है, माइंड इट, ऑश स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, मैं अगर अफोर्ड करते हैं तो उसे रिकमेंड करूंगा। मलेशिया के बारे में बेटा अभी हतमी आपको कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा आप कौन से मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा कि वो लिस्ट में किस जगह पर है। प्रेफरेंसेस सर अली इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे बेटा, वो अलहदा से, आप इनसे सिर्फ टाइम ले लें ऑफिस से सर अली के साथ, क्योंकि प्रेफरेंसेस वन ऑन वन डिस्कशन होने वाली चीज़ है। बच्चा बताता है कि जी मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, मैं फलाने शहर का रहने वाला हूँ, मेरे लिए क्या सूटेबल है, लड़का है तो लड़की है, ये डिपेंड करता है कौन सा मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करते हैं आप, किस तरह से करते हैं, तो ये सर अली से आपको इंडिविजुअल बेसिस पर टाइम लेना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, 2021 के सिलेबस के बारे में आपको बता दूं कि आप जो 2020 में लास्ट ईयर का प्रेसिडेंट होता है, बस उसे ही फॉलो किया जाता है हमेशा। चाइना मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने कई दफा रिपीट कर दिया, फिर एक बार आपको बता देता हूं बेटा कि इस पे हमारी वर्किंग हो रही है, मैं इंशाल्लाह पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद इस पर आपके साथ बात करूंगा। सरली रिपीटर सेशन का पूछ रही है आयशा जी, रिपीटर सेशन बिल्कुल वही उसी तरह ही होगा इंशाल्लाह। कुछ बच्चे राइज अगेन का भी पूछ रहे हैं, राइज अगेन भी होगी जी, जबरदस्त किस्म की इंशाल्लाह सेरेमनी होगी, डेफिनेटली आप सबको साथ शामिल करेंगे, वही कबूतर, वही सिचुएशन, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज वी हैव टू राइज अगेन इंशाल्लाह। जो रिपीटर के साथ एफएससी कह रहे हैं बेटा, हम टेस्ट सेशंस और ये सारा कुछ साथ में इंक्लूड करके एक पैकेज देते हैं ताकि बच्चा अच्छी तरह से तैयारी कर सके, डोंट वरी अबाउट इट। जी बेटा देखें, अब आप ये सब आपके ऊपर है, अपनी सिचुएशन को खुद से एनालाइज करें, देखें कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके हिसाब से अपने वालिदैन की जेब पर ज़बरदस्ती उनको मुसीबत में मत डालें। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी तरह से आप कोशिश करें। रिपीटर अफोर्ड कर सकते हैं, रिपीट करना टाइम है, एनर्जी है, सोच है, ज़रूर करें। पैसे हैं, किर्गिस्तान जाने के बारे में सोच रहे हैं, ज़रूर करें। पैसे नहीं हैं और करना मेडिसिन ही है तो टर्की में अप्लाई करने की कोशिश करें ताकि सरकारी सीटों पे आपका कुछ हो जाए। तो ये सारे के सारे रास्ते मौजूद हैं, प्लीज इसके बारे में सोचें और अपने अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें। बाकी ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये जो SOPs हैं इनके ऊपर ज़रूर 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 अमल करें, बिकॉज ये SOPs ही हैं जिनकी वजह से आपकी किसी हद तक बचत हो सकती है। सबसे पहले अल्लाह का करम है जो पाकिस्तान पर कमाल है, यानी हैरान कन हद तक यहाँ लोग बचे हुए हैं पेंडेमिक से, अल्लाह का करम सबसे पहले, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। जो SOPs आपको बताए गए हैं उनके ऊपर ज़रूर गौर करें। हसन फारूक, मैंने अभी पूरा प्रोसीजर बताया है कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ें लेकर स्टार के ऑफिस में तशरीफ ले आएँ, हम आपके बिहाफ पर अप्लाई करेंगे, हम टर्किश लैंग्वेज में अप्लाई करेंगे। टॉफल के बारे में बेटा मैंने आपको अभी बताया, स्कॉलरशिप लेने के लिए टॉफल नहीं है। जब यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है तो बाज़ यूनिवर्सिटीज टॉफल मांगती हैं और उसका अल्टरनेट यूनिवर्सिटी के पास ये होता है, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस लेटर दिया होता है, तो अल्टरनेट ये होता है कि यूनिवर्सिटी एक अपना टेस्ट, एक लिंक भेजती है स्टूडेंट को ईमेल पर, उस लिंक पर इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें वो सॉल्व करता है और वो शामिल हो सकता है उस एडमिशन में अगर वो सिलेक्ट हो जाए। सो इसमें दोनों चॉइसेस हैं, टॉफल किया हो बिल्कुल, लेकिन प्री कंडीशन नहीं है इसके लिए। बुर्सालारी के लिए प्री कंडीशन है। अच्छा, एक और मलेशिया बारे में, मलेशिया की स्कॉलरशिप वगैरह आ रहे हैं बेटा, मलेशिया और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया। हमारे एक प्रोसेस चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, ये ऑस्ट्रेलिया की इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एक वेबिनार में ज़रूर उस पर आपसे बात होगी और इंशाल्लाह इट विल बी विल हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। यूके के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। सईदा बतूल आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह वी कैन प्रोवाइड यू बेटर अपॉर्चुनिटीज। मेरा ख्याल है सर वक्त मुकम्मल हो गया है। सर इनके अब जिन बच्चों ने जरा हंसी मजाक किए हुए थे उनके तो जवाब दे देना कुछ। जी 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 जरूर, मुझे पता नहीं है, वो गुजर के बहुत तेजी से स्क्रॉल चल रहा था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। अच्छा, बाज बच्चे माशाल्लाह हमारी तरफ से जवाब देके उनको तसल्ली करा रहे हैं। हाँ, वो बच्चे ऑन देयर ओन ही लगे हुए हैं। हाँ नहीं, कुछ लोग खुद ही समझा रहे हैं और बात अकल की बात करें वैसी। बड़े बड़े हमारे वकील मौजूद हैं जी। मेरा ख्याल है सर इट्स नियरली 10 over 10, वक्त का पता नहीं चलता। आज मेरा ख्याल है इसका ना, ये जो हम डिटेल बना रहे हैं इसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेज पे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो एक लिस्ट पेज पे आ जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये लेके आप जो है ना फिर ऑफिस तशरीफ ले आए या रब्ता कर लें, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पाकिस्तान में उस्मान नसीम साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में जो प्राइवेट एडमिशन होना है बेटा वो सारे के सारे भी माशाल्लाह हम बड़ी मज़ेदार सिचुएशन में, हमें कोई पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, ना हमें पता होता ना हमारी हुकूमत को पता होता है। तो अभी देखें, वेट करें 24 तक शायद सीट एलोकेशन का कोई चांस हो जाए, देन वील डिसाइड कि आगे क्या प्राइवेट में कहाँ जाने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ये एडमिन अब आपके उसके साथ आंसर्स करते रहेंगे। जो क्वेश्चंस हैं आपको आपका रिस्पांस मिल जाएगा, कुछ को इनबॉक्स, जिस जिस किस्म की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप पेज पे देख लीजिएगा दोबारा, आप जो है ना पैकेज वगैरह सारा मेंशन हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट यार। और इंशाल्लाह 2 वीक्स 1.5 वीक के बाद ऑश स्टेट यूनिवर्सिटी से आपको लाइव इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी। थैंक यू, वंडरफुल हैविंग यू ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।